फ्रेंड्स आपके साथ अभी डिस्कस करते हैं कि हम ग्रेड टू गायनेकोमास्टी की किस तरह मार्किंग्स करते हैं, किस तरह प्लान करते हैं। अगर हम चेस्ट को देखें, सेंटर पोर्शन में काफ़ी बल्ज है जो इंडिकेट करता है हैवी ग्लैंड। अगर फील भी कर रहा हूँ तो बहुत मोटा ग्लैंड फील हो रहा है मुझे। इधर फैट है काफ़ी, चेस्ट को टाइट कीजिएगा, बहुत अच्छा। सो ऊपर की तरफ आपको एक बल्ज दिख रहा है, इधर ज़्यादा नहीं है, रिलैक्स कीजिए। तो मतलब इधर मसल का बल्ज है, तो इस रीजन से हम लोग ज़्यादा फैट नहीं निकाल पाएंगे। बट ये पोर्शन काफ़ी सारा फैट है जो कि मसल टाइट करने के बाद भी छुपा नहीं, दैट मीन्स ऊपर उसके ऊपर फैट है। नाउ ये पोर्शन काफ़ी हैवी है, यहाँ से हम लोग ग्लैंड निकालेंगे, इधर से एंट्री करके लाइकोसेक्शन करेंगे इन दिस डायरेक्शन, इस तरह से करेंगे जिससे सारा का सारा फैट हम लोग निकाल पाएंगे। कंपेयर करें अगर थोड़ा सा साइड में बल्ज है इधर, तो उसको निकाल देंगे। अगेन फैट की मार्किंग, यहाँ से ये फैट, यहाँ से सारा एंट्री पॉइंट, और इधर से ये मेजर अमाउंट है, यहाँ पे सेंटर में ग्लैंड है, यहाँ से एंट्री करके ग्लैंड निकाल देंगे। लाइपोसेक्शन की डायरेक्शन ये रहेगी, इससे हम सारा फैट निकाल पाएंगे। अप्रॉक्सीमेटली 50 मिनट्स लगेंगे पूरे प्रोसीजर में, और 4 से 5 घंटे में हम अपने पेशेंट को डिस्चार्ज कर देंगे। आज रेस्ट करें, कल रेस्ट करें, परसों सारी नॉर्मल एक्टिविटीज को शुरू कर सकते हैं।